भाई ये धोलेरा का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है भाई? हाँ बका बोलना। बहुत सुना यार, धोलेरा का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है बोल रहे हैं। भाई सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में समझ लेके अपने कहीं जाना पड़ेगा। कहाँ जाना है भाई बोल? प्रभास सर के पास जाना पड़ेगा। तो चलो भाई चलते हैं प्रभास सर के पास। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, धोलेरा स्मार्ट सिटी गुजरात में बनाया जा रहा है, जिसकी टाउन प्लानिंग की डिजाइन किया था हेल्क्रो। हेल्क्रो एक यूके बेस्ड फेमस टाउन प्लानर कंपनी है, और प्रोजेक्ट की जो कंसल्टेंट, प्रोजेक्ट को जो देखने के लिए जो वहाँ पे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के जो कंसल्टेंट अपॉइंट किए गए थे वो है एकॉम अमेरिकन कंपनी, और ये स्मार्ट सिटी की जो एक्चुअल फिजिकल काम कर रहा है L&T। तो ये आपको मालूम है, मुझे ही मालूम है कि L&T इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनी है। तो इतने सारे जब अच्छे लोग इन्वॉल्व होते हैं तो डेफिनेटली वो प्रोजेक्ट सक्सेस होगा ही होगा। धोलेरा एक बहुत ही बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन आपको ये मालूम रहना ज़रूरी है कि अच्छे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना, अच्छे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना कोई भी स्मार्ट सिटी सक्सेस नहीं हो सकती है। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, धोलेरा की सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, कि वहाँ पे क्या क्या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले टाइम पे आएगा। चलिए बारीकी से समझते हैं, लेट्स गो। ये स्मार्ट सिटी किसके लिए है? कंपनियों के लिए, बिल्डरों के लिए, इन्वेस्टरों के लिए? नहीं, ये स्मार्ट सिटी लोगों के लिए। लोग अच्छे शहर में ही नहीं रहते हैं, उनको चाहिए बेहतरीन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एक शहर को फ्लॉप या सक्सेस कर सकता है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर शहर की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है। मेजर इकोनॉमी एक्टिविटीज़ के बाद सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ही आपका शहर को रहने लायक बनाती है। धोलेरा में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे जरूरी रिक्वायरमेंट है एजुकेशन। शहर में हर बच्चों को बेहतरीन एजुकेशन, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में मिलना चाहिए। आज के तारीख में यदि आप खाली एक्टिवेशन एरिया की टाउन प्लानिंग मैप चेक करोगे, आपको 21 प्राइमरी और नर्सरी स्कूल, 4 सेकेंडरी स्कूल, 1 इंटीग्रेटेड स्कूल विदाउट हॉस्टल और 1 साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट और 1 जनरल कॉलेज और 1 प्रोफेशनल कॉलेज, इस सारी चीज़ की व्यवस्था आपको टाउन प्लानिंग के मैप में दिख जाएगी। अच्छा एजुकेशन, अच्छा ट्रेनिंग, अच्छा स्किल डेवलपमेंट होना जरूरी है, ताकि धोलेरा की इंडस्ट्रीज को वेल क्वालिफाइड मैन पावर मिल पाए, नहीं तो इंडस्ट्री सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगी। हेल्थ केयर, लोग अच्छे हॉस्पिटल या मेडिकल फैसिलिटी के आसपास रहना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि जब अर्जेंसी आती है इसकी इम्पोर्टेंस तभी मालूम पड़ती है। इसीलिए धोलेरा में खाली एक्टिवेशन एरिया में ही 11 डिस्पेंसरी पॉलीक्लिनिक, 101 से 200 बेड की हॉस्पिटल और 1 डिस्पेंसरी फॉर पेट एनिमल्स और 2 मैटरनिटी होम या नर्सिंग होम और 1 क्लस्टर फैमिली वेलफेयर सेंटर की व्यवस्था की जा रही है। हाउसिंग स्कीम, स्मार्ट सिटी के अंदर प्रॉपर हाउसिंग स्कीम के लिए रेसिडेंशियल जोन क्रिएट किया जा रहा है। रेसिडेंशियल जोन को आप 3 भाग में बांट सकते हो, लो डेंसिटी, मीडियम डेंसिटी, हाई डेंसिटी एरिया। एक्टिवेशन के अंदर टोटल 627 हेक्टर लैंड रेसिडेंशियल यूज में लिया जा रहा है। साथ साथ में अफोर्डेबिलिटी और साइज के मुताबिक
हाई इनकम ग्रुप, मीडियम इनकम ग्रुप, लो इनकम ग्रुप, ये तीन प्रकार की इनकम ग्रुप की सेग्रीगेशन भी आप कर सकते हैं। बड़ी शहरों में स्लम्स, झपटपट्टी एक बहुत बड़ी चैलेंज है। इसीलिए धोलेरा स्मार्ट सिटी बनाने के टाइम धोलेरा में LIG और EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को खास ध्यान दिया जा रहा है, ताकि शहर में स्लम या झपटपटी बनने ना दिया जाए, सब लोग को घर मिले, हाउसिंग फॉर ऑल। कम्युनिटी सपोर्ट के लिए धोलेरा में खाली एक्टिवेशन एरिया में 8% लैंड कम्युनिटी फैसिलिटी के लिए रिजर्व किया गया है। सोशल प्लानिंग के लिए हर 400 मीटर दूरी में 2-5 एकड़ की नेबरहुड पार्क आपको मिल जाएगा, और हर 800 मीटर दूरी पे 4-8 एकड़ की कम्युनिटी पार्क दिखेगा, और 4000 मीटर के दूरी पे आपको 60-80 एकड़ की रीजनल पार्क दिख जाएगा। पूरी शहर में रोड के दोनों साइड साइकिल ट्रैक और शेडेड फुटपाथ की प्रोविजन की जा रही है। कितनी भी गर्मी हो, धूप हो, आप साइकिल लेके या पैदल शहर के किसी भी कोने में जा सकते हैं। स्टॉर्म वाटर ड्रेन को एक लीनियर पार्क का रूप दिया जा रहा है, जिसमें आपको इंडस्ट्रियल जोन में वाटर फ्रंट, कॉफी शॉप, रिक्रिएशन, पब्लिक आर्ट और कमर्शियल डेवलपमेंट दिख जाएगा। साथ साथ में लगभग 9 रिलीजियस सेंटर, 12 बैंक्वेट हॉल, 1 सोशियो कल्चर सेंटर, 1 मल्टीपर्पज कम्युनिटी हॉल और 2 सिनेमा हॉल की प्रोविजन एक्टिवेशन में रखा गया है, और एक्टिवेशन के अंदर एक डेडिकेटेड पुलिस पोस्ट, 22 ऑटो टैक्सी स्टैंड, 3 फायर स्टेशन, 1 बस टर्मिनस, 1 ट्रक टर्मिनस, 1 डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर और 22 पेट्रोल पंप और 3 LPG गोडाउन की व्यवस्था की जाएगी। पब्लिक सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए पूरे शहर में कई सारे ऑटोमेशन सेंसर, ट्रैफिक सेंसर, लीक डिटेक्शन सेंसर इंस्टॉल की जा रही है। सिटी की लीगल डिस्प्यूट, क्राइम केस को हैंडल करने के लिए SIR एक्ट शहर को स्पेशल पावर देगी। ये पूरी इंडिया में फर्स्ट टाइम ऐसा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने मिलेगा। दोस्तों, धोलेरा में इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी कुछ टेक्निकल जानकारी आपको होनी चाहिए, नहीं तो आपकी एक छोटी स्टेप, एक छोटी गलती आपको गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट करवा देगा, तो उससे क्या होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट डेड इन्वेस्टमेंट हो जाएगी अगले 8-9 साल के लिए। कई लोगों ने धोलेरा में 2016-17 इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, उन बेचारों का ना प्लॉट मिला, उन बेचारों का ना रजिस्ट्रेशन हुआ, ना उन बेचारों का म्यूटेशन हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने उस टाइम अच्छे तरीके से छानबीन नहीं किए थे। हाँ, आज के तारीख में रेरा आ चुका है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट, जो आपकी काम को आसान कर देगा, लेकिन हम लोग आपके लिए हमेशा तैयार बैठे हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए आपको, खास करके इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इन धोलेरा, आप हमें संपर्क जरूर करिएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए, और जितना हो सके आप अपने फ्रेंड सर्कल में हमारे वीडियो शेयर करिए, ताकि लोगों को इसके बारे में सटीक जानकारी मिले। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके भी रखिए, ताकि जब भी हम कभी नया वीडियो डालते हैं आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और आज के लिए आप लोग हमें इजाज़त दीजिए। बाय बाय।
टेक केयर।